इनसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए सर, ये 21वीं सदी का भारत है, 75 वर्ष हमने आजादी के पूरे कर लिए हैं। आप मुस्लिम बहनों को और बेटियों को इस तरह हिजाब में फंसा कर रखना चाहेंगे अभी भी? आप, मेरा सवाल ये है आपसे, एक तरफ तो आप कहते हैं आप किसी को किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर रहे, जिसकी मर्जी है वो हिजाब पहने, जिसकी नहीं है वो ना पहने, दूसरी तरफ उन्हें जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो ये कैसे कोई राइट हुआ? जैसा कि सर ने आदर्श व्यवहार पे कहा कि उनका आदर्श व्यवहार नहीं है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके इस्लाम में जो हलाला है वो आदर्श व्यवहार है, लेकिन उनका पहनावा आदर्श व्यवहार नहीं है। झंडे की जो लड़की हिजाब नहीं पहनना चाहे उन्हें आप नंगा करके सड़क पे मार दो। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में ऑडियंस ने एक मौलाना को डिबेट में अच्छे से बजाया है, क्योंकि मौलाना कह रहा था कि हिजाब हर लड़की के लिए जरूरी है और उसे पहनना ही पड़ेगा। तो इसी बात पर जब ऑडियंस ने उसे सवाल करना शुरू किया तो वह ऑडियंस पर ही भड़क गया, तो इसी बात पर उसे बजाया है डिबेट में। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए आगे। तो आप लोगों को समझना होगा, हमें बांटने की कोशिश की जा रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। चलिए कुछ सवाल लेते हैं बच्चों के। ये मैम जो है पूरे सवाल को, पूरे ये मुद्दे को समझी नहीं है। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि स्कूल में हिजाब पहनना मना है, ठीक है, संविधान में भी इसका कोई जिक्र नहीं है, पर आप इस मुद्दे को इतना क्यों इतना ले जा रहे हैं? और आपने बात कही इससे पहले कि कोई लड़की 10 से 12 साल अपने घर में रहती है, मतलब घर उसका कल्चर लेके आता। मैडम इसका मतलब मैं 10 से 12 साल घर में रहा हूँ तो मैं माला पहन के मैं भगवा पहन के स्कूल जाऊँ? ये कौन सा इसको, ये कौन सा मुद्दा? और सबसे बड़ी बात जो हिजाब है, हिजाब कभी आपका इस्लाम में था ही नहीं, इसका मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी इतिहास की, मेसोपोटामिया सभ्यता इतिहास की थी, उसमें इसलिए जो वहाँ की महिलाएं थी इसका इस्तेमाल उसलिए करती थी। अगर आपने जब ठान लिया है नहीं है, मैं सभ्यता में महिलाएं इसलिए पहनती थी धूप से बचने के लिए, आप मत घुमाइए, जवाब दीजिए इसका। तो इतने गुस्सा में क्यों बोल रहे हैं भाई? जल्दी आप इतने गुस्सा में क्यों बोल रहे हैं? जैसे लग रहा कोई पुरानी खुंदक हो। आप इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं? एक सेकंड, आपको ये राइट नहीं है। नाम बताना इतिहास का, इतिहास का नाम बताओ, जवाब दीजिए। कौन सा इतिहास पर क्या है हमें? तो आप मुस्लिम इतिहास पर क्या है? लेकिन आपने कितने अधिकार अरे बहुत शोर कर रहे हैं आप लोग, प्लीज आई एम सॉरी टू से, प्लीज शोर नहीं हो रहा है। मैडम मैडम जिसके पास माइक नहीं है उसकी आवाज नहीं जाती है, इसीलिए बुलाया गया जलील करने के लिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो सवाल पूछ रहे हैं, सवाल की तरफ पूछा जाना चाहिए। सवाल सुनो प्लीज, इनसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए सर, ये 21वीं सदी का भारत है, 75 वर्ष हमने आजादी के पूरे कर लिए हैं, आप मुस्लिम बहनों को और बेटियों को इस तरह हिजाब में फंसा कर रखना चाहेंगे अभी भी, जबकि टेक्नोलॉजी में कहा बेटियां तो खुद ही का हिजाब पहन रही है, फिर आप लोग लगातार बोल रहे हैं। अरे सर आपको सुनने की आदत नहीं है क्या? प्लीज सर। मैम मेरा सवाल ये है, एक तरफ तो आप कह रहे हैं आप किसी को, प्लीज जी बहन बोलिए। मैम मेरा सवाल ये है आपसे, एक तरफ तो आप कहते हैं आप किसी को किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर रहे, जिसकी मर्जी है वो हिजाब पहने, जिसकी नहीं है वो ना पहने, पर दूसरी तरफ एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स मैम, दूसरी तरफ उन्हें जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो ये कैसे कोई राइट हुआ? तो इसके भी जो है इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो इस तरह से कर रहे हैं। आज तो इस्लामी फोबिया बनाकर, मैडम इस्लामी फोबिया बनाकर जो पेश किया जा रहा है पूरा देश इस बात का गवाह है, सब जानते हैं। जैसा कि सर ने आदर्श व्यवहार पे कहा कि उनका आदर्श व्यवहार नहीं है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके इस्लाम में जो हलाला है वो आदर्श व्यवहार है, लेकिन उनका पहनावा आदर्श व्यवहार नहीं है। हलाला क्या है, हलाला क्या चीज है? सर आपने कहा कि कुरान में मेंशन है हिजाब पहनना, कुरान में ये कहा मेंशन है कि जो लड़की हिजाब नहीं पहनना चाहे उन्हें आप नंगा करके सड़क पे मार दो। वो अपराध है, वो अपराध है, वो इस्लाम के खुद है, वो खिलाफ विरुद्ध है। सवाल सुन लीजिए, आपने तो बोल दिया लड़कियों को हिजाब पहनने के लिए आपने उन्हें दे दिया कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं पहना, तो अच्छा लड़कियों हिजाब पहन ले, पर्दा कर ले, लड़के कहाँ करेंगे? लड़के क्यों नहीं करते? लड़कों के लिए भी निकालो ना फिर, लड़कियों के लिए लड़कियों का भी है, यही तो समझना है आप लोगों को, यही तो समझना बहन मेरी। दोनों को कहा है, किसके लिए कहा है, क्या लड़का लड़की दोनों को?
लड़कों के लिए क्या कहा है? दोनों को कहा गया गलत नजर से मत देखो एक क्या दूसरे गलत को? नजर से वो कह रही है बुरका और सब कुछ छिपाने का पर्देदारी लड़की के लिए क्यों, लड़कों के लिए क्यों नहीं? दोनों के लिए है। कितने लड़कों को ऐसे जला के मार दिया जाता है अगर वो नहीं माने तो ये अपराध है। अपराध कह देने से कैसे होगा? तो जैसा कि आपने देखा ये लोग शुरुआत में आकर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन जब इनसे सवाल किया जाता है इन्हीं की बातों पर तो ये लोग कैसे सवाल को सुनकर भड़क जाते हैं और उसका जवाब कभी भी नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास जवाब होता ही नहीं है, तो जवाब देंगे कहाँ से? सिर्फ इसका नहीं, हर मौलाना की यही आदत है। खैर, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।